हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ए न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। मुलाहजा कीजिए न्यूज़ हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में डॉक्टर्स की प्रमोशन के लिए सिलेक्शन कमेटी का तरीकाकार मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा का सिंध हुकूमत को एक माह में डॉक्टर्स के तमाम मसाइल हल करने का हुक्म। गुजरात में घरेलू झगड़े ने पूरे खानदान को उजाड़ दिया। जनूनी शख्स ने 5 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अलशिफा ट्रस्ट सेहत के शोबे में आला मयारी इदारा है जिससे लाखों शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आजम का अलशिफा ट्रस्ट के लिए खिदमात पर जनरल रिटायर्ड जहांदाद खान को खिराज तहसीन। अहद चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत करने वाला लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच तहलील। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया जो आइंदा हफ्ते केस की असरे नौ समाअत करेगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई इस्लामाबाद से सवात पहुंच गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मैंगोरा में आबाई घर पहुंचने पर मलाला आप दीदा हो गईं। साबिक MNA अहमद रजा मानिका का तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का फैसला। आज पाक पतन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गजा में इसराइल मजालम के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर इसराइली फौज की बमबारी। 16 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। सदर महमूद अब्बास का आज यौम शोक का ऐलान। इसराइली मजालम के खिलाफ सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। मजालिम बंद करने का मुतालबा।